हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे रैपिड क्वेश्चन डोज में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है, डेफिनेटली आपने इस साल 2021 में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा। बट चलिए, अब साल खत्म होने को है तो इसको हम अलविदा करते हैं और जो कल नया साल आएगा उसको नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ देखते हैं। और डेफिनेटली आपने बहुत सारे रेजोल्यूशंस प्लान बनाए होंगे, उन प्लान के ऊपर वर्क कीजिए, जॉब लीजिए। और मेरी तरफ से और पूरी स्लीपी क्लासेस की टीम की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज, ऑप्शन ए है कोबॉल, ऑप्शन बी है बेसिक, ऑप्शन सी है फोरट्रेन, ऑप्शन डी है पास्कल। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए। और आप सब जानते हैं रैपिड डोज की जो ये सीरीज है, इसको हम क्विज की तरह डिस्कस करते हैं। मतलब आपने जैसे क्वेश्चन को देखा, पॉज करना है, खुद से आंसर देना है, देन हम हर क्वेश्चन को डिटेल में तो डिस्कस करेंगे। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फोरट्रेन। फोरट्रेन का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और ये पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी, इसको इन्वेंट किया गया था जॉन पैकर्स के द्वारा। और किसके लिए किया गया था? IBM के लिए। ईयर भी आप याद रख सकते हो, कई बार ईयर भी पूछ लिया जाता है, 1954। और इसको आज की डेट में भी हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग, साइंटिफिक एंड मैथमेटिक एप्लीकेशन के लिए। और ये आपने याद रखना है, इसका फोरट्रेन का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डाटा डज अ स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क होल्ड? ऑप्शन ए है 512 KB, ऑप्शन बी है 1.44 MB, ऑप्शन सी है 20 MB एंड ऑप्शन डी है 1 GB। फ्लॉपी डिस्क आज की डेट में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, 2007-2008 तक नॉर्मली हम यूज़ कर लेते थे, लेकिन आज की डेट में हम इनका यूज़ नहीं करते हैं। और फ्लॉपी डिस्क जो है वो मेनली दो ही साइज में आती थी, एक 712 KB में और दूसरी जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1.44 MB। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है, KB में भी लिख सकते हो, 1440 KB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिस्टम रनिंग मोर देन वन प्रोसेस कॉन्करेंटली आर कॉल्ड। अब देखिए, आज की डेट में हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और फ़ोन चल रहा होता है, हम साथ साथ व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर रहे होते हैं या फिर यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होते हैं और अपना काम भी कर रहे होते हैं लैपटॉप में। जैसे मैं PPT बनाता हूँ तो पीछे गाने चल रहे होते हैं, तो साइमल्टेनियसली हम बहुत सारा यहाँ पर विंडो ओपन कर लेते हैं और अपना काम करते रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, रियल टाइम, बैच प्रोसेसिंग। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है और इसका सही आंसर है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज सुपर कंप्यूटर परम लोकेटेड? जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है परम, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता। तो ये आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा पुणे में। और इसको बनाया किसके द्वारा गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सीडेक के द्वारा। सीडेक बोले तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, और ये पुणे में ही है सीडेक। वैसे बहुत जगह है, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो मेरी तरह तो आपको पता होगा कि सीडेक की क्या वैल्यू है। और सीडेक में एक डिप्लोमा करने के बाद बहुत अच्छी खासी जॉब लगती है, ये आपको दिल्ली NCR साइड में भी देखने को मिलेगा, आई थिंक नोएडा में है, पुणे में और भी बहुत सारी जगह पर है, पुणे वाले की ज़्यादा वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच इज़ यूज फॉर कन्वर्टिंग पिक्चर, मैप, ड्राइंग इन टू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर? जैसे हम नॉर्मली ये यूज़ भी करते हैं इसको, जो पिक्चर्स को हम कन्वर्ट करते हैं, मैप्स को, ड्राइंग को डिजिटल फॉर्मेट में, और देन हम अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं, और ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है। तो आपको बताना है ये इसमें से, मतलब इन ऑप्शन में से कौन सा सही है, OCR, OMR, MICR एंड डिजिटाइजर। अब देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, डिजिटाइजर। मतलब जैसे कोई भी आप पिक्चर को कन्वर्ट कर लेते हो और देन अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिजिटाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकीलीक्स अ विसल ब्लोअर वेबसाइट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन। जो विकीलीक्स है ये कहाँ की एक फर्म है, कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है? USA की, UK की, स्वीडन या फिर नॉर्वे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, आप लोग जैसे सुनते होंगे पनामा पेपर लीक की हमें खबर मिलती है और भी बहुत सारे हमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं
जिसमें हम लोग कहते हैं एक सनसनी खुलासा, जैसे हमारी मीडिया यूज करती है टर्म को, तो हम लोग देखते हैं। तो ये इसका कोई ऐसा सोर्स नहीं होता, बट ये एक साइट है जहां पर हमें बहुत सारा डाटा देखने को मिलता है, और हर साल 1.2 मिलियन डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। अब उसका सोर्स क्या है ये नहीं पता, लेकिन ये सोर्स वही बात है, एक सनसनी खुलासा करते हैं। अब विकिलीक कहाँ की कंपनी है, ये यूएसए बेस्ड कंपनी है और एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर आप देखते हो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए जाते हैं जो लीक्स हो जाते हैं, या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो एक विसल ब्लोअर का काम करते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टूगेदर इन अ स्मॉल एरिया विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन्स इट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है आरसीएन, आरसीएन बोले तो रिमोट कम्युनिकेशन नेटवर्क। ऑप्शन बी है एलएन, लोकल एरिया नेटवर्क, इसको हम लैन भी कह देते हैं, और वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, एंड वैन बोले तो वैल्यू एडिड नेटवर्क। अब देखिए ये इससे इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इस पूरी की पूरी पीपीटी में हो सकता है। आप सबने स्कूल में जब कंप्यूटर यूज़ किया होगा तो नॉर्मली क्या होता था, लैब में बहुत सारे कंप्यूटर अटैच होते थे। तो एक स्मॉल एरिया में जब बहुत सारे कंप्यूटर अटैच होते हैं, 10 लगा लो 15 लगा लो, यहाँ पर संख्या की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कमरे में जो अटैच है कंप्यूटर, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर था लैन, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेटर जी यूज इन 2G स्पेक्ट्रम स्टैंड्स फॉर, अब तो खैर 5G आ गया और 5G 4G। अच्छा चलिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आपने नोट्स बनाने हैं तो नोट्स आप बनाते भी होंगे अपने एग्जाम के लिए, तो आपने बताना है कि जो 2G है, 3G है, 4G है, 5G तो खैर हमारे इंडिया में अभी आया नहीं है, 13 सिटीज में पहले इसको ट्रायल बेसिस पर चलाया जाएगा। तो आपने यहाँ पर अपने नोट्स में लिखना है कि 2G सबसे पहले कौन सी कंट्री में आया था और इंडिया में कब आया था, फिर ऐसी 3G में और ऐसी 4G में और ऐसी 5G में, मतलब पहले आपने लिखना है कौन सी कंट्री में आया था, देन इंडिया में कब आया था। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेट करके क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। द लेटर जी यूज इन 2G स्पेक्ट्रम स्टैंड फॉर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनरेशन। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा बेस मैनेजर। अब देखिए डाटा बेस मैनेजर मतलब डाटा बेस में आपने देखा होगा स्प्रेडशीट की फॉर्मेट में हम सभी के सभी डाटा को सेव करते हैं, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्मेट में अगर समझे तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑर्गेनाइजर, पैराडॉक्स, क्वाट्रो प्रो एंड कोरल ड्रा। अब देखिए ये जो दो ऑप्शन है ना, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अब डाटा बेस मैनेजर की बात हो रही है तो एक यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे ऑर्गेनाइजर, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर बिल्ट इन टू सेवरल होम अप्लायंस आर ऑफ विच टाइप, तो हम अपने घर में कंप्यूटर यूज करते हैं वो मेनली हम उसको क्या कहते हैं, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर नन ऑफ दिस। आप कहोगे नहीं सर हम तो उसको पीसी कहते हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा, पर्सनल कंप्यूटर। नहीं, ये पीसी तो होता ही है बट चलो वो हमारा पर्सनल कंप्यूटर, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है क्योंकि उसमें जो आईसी होती हैं वो काफ़ी स्मॉल साइज की होती हैं, तो ये बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। मेन फ्रेम यूज होता है जैसे सी डेक में, अभी हमने पढ़ा था ना सी डेक, तो वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है और ये बहुत सारे कंप्यूटर से अटैच करके बनाया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसको नेट पे सर्च करना तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस इन अ कंप्यूटर इज अ, वायरस से तो खैर हम सब लोग भली भांति जानते हैं वायरस को और हम लोग भुगत भी चुके होंगे अगर हमारे पास लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है, तो वायरस क्या काम करता है। ऑप्शन ए है केमिकल डेट अटैक्स सिलिकॉन, ऑप्शन बी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट डिस्टर्ब इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी है प्रोग्राम डेट डैमेज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब देखिए वायरस का काम क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डैमेज करना, और कई बार आप यहाँ पर मूवी देख रहे हो और मूवी चलते चलते बंद हो जाए और आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाए, और समटाइम्स क्या होता है कि आप गाना सुन रहे होते हो वो गाना 2 मिनट का चला और तीसरे मिनट गाने में पता नहीं कौन सी ही आवाज़ आने लगी, सा 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 सा, है ना, इस तरह से आपको देखने को मिलता है, तो वो गाना करप्ट हो जाता है। कोई अपने पीपीटी में काम कर रहे हो और वो पीपीटी करप्ट हो जाती है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये वायरस की वजह से होती है, करप्ट हो जाना कोई भी फाइल का, या फिर आपका जो डाटा है वही उड़ जाता है, मतलब सारा का सारा डैमेज हो जाता है,
और कंप्यूटर या लैपटॉप बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो वायरस काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, और तभी हम कहते हैं कि हमें ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ही यूज़ करने चाहिए, उसमें जो वायरस होते हैं वो बिल्कुल ना मात्र होते हैं। वायरस तो देखो सॉफ्टवेयर में होगा, लेकिन वो हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर को एक तरह से हार्म नहीं मिल जाएगा। और अगर हम पायरेटेड मतलब इंटरनेट से सॉफ्टवेयर उठाएंगे तो उसमें डेफिनेटली वायरस भी हमारे कंप्यूटर में एंटर कर जाएगा, और फिर वो आने वाले टाइम में अपना एक रोल प्ले करेगा। और बहुत सारे वायरस होते हैं, जैसे एक टाइम बॉम्ब वायरस भी है, तो इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोसेसर स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन, जो प्रोसेसर की स्पीड होती है कंप्यूटर में उसको हम किस में मेज़र करते हैं, बीपीएस में, एमआईपीएस में, बॉड में, या फिर हर्ट्स में। बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, और इसका सही आंसर है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी फुल फॉर्म, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन अ सीआरटी इज कॉल्ड। तो हमने बताना है कि जो स्कैनिंग रिपीट होती है उसका एग्जैक्टली रेट क्या है, मतलब उसको रेट को हम क्या कहते हैं जो सीआरटी में स्कैनिंग रिपीट होती है। रिफ्रेश रेट, रेजोल्यूशन, पिच, बैंडविड्थ। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा रिफ्रेश रेट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस थ्रू विच डाटा कैन एंटर और लीव अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। अब देखो, हमने कंप्यूटर में कोई भी डाटा डालना है और या फिर कंप्यूटर से डाटा निकालना है, तो हम किसके थ्रू निकालते हैं, बस, डॉक, माउस, पोर्ट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट, यूएसबी पोर्ट। आपने डेफिनेटली इसको सुना होगा और यूज़ भी किया होगा डाटा निकालने के लिए या फिर अपने कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमांड डेट मर्ज द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर इज। अब देखो, ये थोड़ा सा ना ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और ये आजकल हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये लैंग्वेज के बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे लैंग्वेजेस होती है ना, सी, सी प्लस प्लस, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं आजकल एग्जामिनर, तो लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करने के लिए, जो कमांड बेस्ड होते हैं। तो एक कमांड है जिसको हम यूज़ करते हैं कंटेंट को मर्ज करने में, अपेंड, रीनेम, रीस्टोर, ऐड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपेंड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAD स्टैंड्स फॉर। CAD मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग करते हैं वो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, और आपने देखा होगा कार का डिज़ाइन बनाने के लिए, या फिर 2D और 3D ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए CAD का यूज़ किया जाता है, CAD का। तो CAD एग्जैक्टली क्या है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिज़ाइन, या फिर कंप्यूटर एडिट डिकोड, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड, या फिर कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डिजिटल सर्किट। अब देखो, अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझें तो कंप्यूटर कौन सी इंफॉर्मेशन मतलब सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, ओनली रोमन सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, या फिर बोथ बी एंड सी। देखो, हम अपनी बात करें तो हम लोग इंग्लिश भी समझ लेते हैं, हिंदी भी समझ लेते हैं, या जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है तो वो हम समझ लेते हैं। अब कंप्यूटर भी कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज और हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो यहाँ पर बी और सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक यहाँ पर आप ये नंबर याद रख लेना, इसको हम टोगल कहते हैं। अब आप ऐसे ही समझ लो, जैसे कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, और अगर हम यहाँ पर 8 प्रेस करना चाहते हैं तो 8 के पॉइंट ऑफ व्यू में कंप्यूटर क्या समझेगा, 100। ये कैसे हुआ, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, अगर यहाँ पर हम 0 एंटर करना चाहते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 0 0 और 0, मतलब यहाँ पर इन चारों डिजिट के नीचे क्या हो जाएगा, 0। ऑब्वियसली यहाँ पर तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो सभी के नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हमें 1 प्रेस करना है तो 1 के नीचे 1 लगा दो, बाकी के नीचे 0 लगा दो। अगर हमें 2 प्रेस करना है तो यहाँ पर 1 के नीचे 0 लगा दो, 2 के नीचे 1 लगा दो, बाकियों के नीचे 0 लगा दो। 3 के नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 + 1 तो 3 होता है, 1 1 लगा दो, बाकी के नीचे 0 लगा दो। 4 में क्या आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, बाकी के नीचे 0 आ जाएगा। ऐसे ही 5 में अगर हम देखें तो हमारा 1 1 0 0, 6 में 1 1 0 0, और 7 में क्या आएगा, यहाँ पर 1111 आ जाएगा और यहाँ 0। 8 में क्या आ जाएगा, तरह से हम
एट लिख लेंगे। अब देखो यहाँ एट नाइन तक कोई दिक्कत नहीं है, नाइन तक हम यहाँ पर समझ सकते हैं, लेकिन जहाँ टेन आता है तो हम टेन नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। अब आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, टेन के बाद इलेवन ट्वेल्व तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आपने ध्यान रखना है, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर ट्वेल्व लिखना है तो ट्वेल्व में क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो एट और वन के नीचे वन वन आ जाएगा, बाकी नीचे जीरो आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने टेन को ए लिया और इलेवन को बी और सी किसको लिया, ट्वेल्व को, तो ट्वेल्व हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप लिख लेना और कभी भी गलती नहीं करोगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डू नॉट हैव, जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, हालांकि इसके ऊपर अभी वर्क चल रहा है, अभी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर प्रॉपर वे में नहीं आया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी के लिए हम फिफ्थ जनरेशन वाली यूज़ कर रहे हैं, तो वो कौन सी कर रहे हैं, एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन बी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऑप्शन सी है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड ऑप्शन डी है वैक्यूम ट्यूब। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा है जो यहाँ पर चिल्ला चिल्लाकर बोल रहा है कि मैं ही हूँ इसका आंसर, तो वो है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को हम यूज़ करते थे फर्स्ट जनरेशन में। आज की डेट में आप देखते हो ना कि अपने फ़ोन में आप कुछ भी बोलते हो तो गूगल सुन लेता है, अलेक्सा बेस्ट एग्जांपल है। और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का हम यूज़ करते हैं और अपने फेस से अनलॉक कर लेते हैं और फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर लेते हैं अपने मोबाइल को, कंप्यूटर को, एंड इसके लिए बहुत ही लार्ज स्केल की इंटीग्रेशन यूज़ होती है। मतलब एक छोटे से लैपटॉप में हम देखते हैं बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो उसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करा गया था आईसी में, और आईसी फर्स्ट लिया आया था 1952 में, ठीक है। किसके द्वारा आया था मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल डिस्क। देखो ऑप्टिकल डिस्क का अपना एक रोल होता है, और ऑप्टिकल डिस्क करती क्या है, इसमें हम मतलब स्टोर कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं डाटा, ठीक है, और मिटा भी सकते हैं, मतलब राइट और रीड दोनों कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क हमारा बेसिकली यूज़ में आता है स्टोरेज मीडियम के लिए। तो ऑप्शन ए है जेड डिस्क, ऑप्शन बी है सुपर डिस्क, ऑप्शन सी है वॉर्म डिस्क, ऑप्शन डी है जिप डिस्क। अब ऑप्टिकल डिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सुपर डिस्क, ठीक है जी। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन वो देख लेते हैं। वेयर डज अ कंप्यूटर ऐड कंपेयर एंड शफल डाटा। देखो हम लोग कंप्यूटर में ऐड भी करते हैं, कंपेयर भी करते हैं, शफल भी करते हैं, तो ये एकदम से इतनी फास्ट प्रोसेस कैसे हो सकता है। आप एक फाइल को बार बार स्टोर करोगे तो वो आता है ना, कई बार कॉपी का ऑप्शन आ जाता है, कई बार उसके ऊपर ओवरराइट का ऑप्शन आ जाता है, तो इस तरह के जो ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, और इतना ये फास्ट प्रोसेस कैसे होता है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। मेमोरी चिप, सीपीयू चिप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। अब देखो फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क ये एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल आपके गलत हो जाएंगे। अब थोड़ा सा मेमोरी चिप और सीपीयू को देख लेते हैं। तो हमारे जो कंप्यूटर में अर्थमेटिकल लॉजिकल फंक्शन और सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट वाले काम होते हैं, वो कौन करता है, सीपीयू। तो इसका यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सीपीयू, ठीक है जी। तो आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, और ज़्यादा डिटेल में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस इसलिए नहीं करे क्योंकि तो इन क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला ऐसा कुछ था ही नहीं। और नेक्स्ट टाइम जब हम कंप्यूटर का कोई ऐसा सीरीज लेकर आएंगे रैपिडोज में, तो वहाँ पर मैं आपको नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा, और वहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे जो एडवांस लेवल के आज की डेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो हम यहाँ पर कवर करेंगे मतलब नेक्स्ट सेशन में, ठीक है जी। और उसके बाद जैसे वायरस से रिलेटेड एक टॉपिक हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, और आजकल हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस। तो होपफुली इन 20 क्वेश्चंस में आपको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। इन केस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, और मेरी तरफ से और पूरी स्लीपी क्लासेस की टीम की तरफ से आपको फिर से हैप्पी न्यू ईयर, और अपना एक रेजोल्यूशन बनाइए अगर आपने नहीं बनाया, और नए साल में फिर से मैं कहूँगा नई उम्मीद और नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ एंटर कीजिए। चलिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।